नमस्कार, आज की क्लास में हम बात करेंगे 2018 में आए कॉन्स्टेबल एग्जाम्स के क्वेश्चन के बारे में और मैथमेटिक्स सेक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम था काफ़ी टफ था, इसमें अर्थमेटिक के अलावा आपका एडवांस मैथ भी आया हुआ था जो प्लस टू के बेस पे क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का वो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। आपको दिया हुआ है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, अप टू 10 89 डिग्री, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। और आपके पास ऑप्शन जो हैं वो हैं 1, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 1/2। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटे से बात समझा दूं कि कभी भी 10, मान लीजिए 1060 और 1030 की बात करूं और मैं पूछूं इसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कभी भी अगर क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए 10 के केस में, तो वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल। यानी कि एक रिजल्ट याद रखेगा कि 10 ए और 10 बी अगर 1 के इक्वल हैं, इसका मतलब होगा ए प्लस बी किसके इक्वल हैं आपके? 90 डिग्री के। जैसे मैं अगर कहूँ 10 70 एंड 10 20 डिग्री, तो इसका रिजल्ट भी कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 70 प्लस 20 मिलकर कितने हुए? 90। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन दो पे ही अप्लाई होना चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 1 और 89 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 90, जो कि 1 हो जाएगा। इसी तरह से 2 को किससे ऐड करूंगा? 88 से, वो 1 हो जाएगा। 3 को 87 से, वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में हैं तो वो सारे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। हाँ, अगर कोई पेयर नहीं बना तो वो यहाँ पर नहीं बना, 1045 के लिए पेयर नहीं बनेगा। तो इस 1045 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो सारे का रिजल्ट जो आ गया वो कितना आ गया? 1 आ गया। समझ आ गई बात? 101 और 89 कितने हो गए? 90। तो रिजल्ट 1। मल्टीप्लाई में है 2 को 88 से किया तो कितना आ गया? 90। सम 90 आ गया 2 का, तो रिजल्ट क्या आ गया? 1। और सारे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई के होके सारे होके कितने आ जाएंगे? देखिए मल्टीप्लाई में ना 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ऐसे करते करते, तो कितने 1 आ जाएंगे? 1। तो आंसर आएगा इसका 1। है ना, आसान क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा समझने वाला था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बेसिक सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि वो आपसे कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू बतानी है, जो मान बताना है वो बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा का आपको वैल्यू बतानी है। और आपके पास जो ऑप्शन है वो है 1, ऑप्शन 2 इज 2, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 1/2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी एलजेब्रा की क्लासेस देखी हुई हैं तो वहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा है, ये कॉसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/sin θ इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 के इक्वल। अब थोड़ी देर के लिए इसको एलजेब्रा में थोड़ी देर के लिए मान के चलिए ये x है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया? 2। और मुझे जो वैल्यू निकालनी है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ? 1/sin θ, है ना। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1/x² की वैल्यू बतानी है आपको। अब आपको पता है जब भी x + 1/x किसके इक्वल हो? 2 के इक्वल हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। 1 + 1/1 क्या आ गया? 2। x की वैल्यू 1 है, यहाँ रखिए 1 का स्क्वायर 1, 1/1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 2। बड़ा आसान सा है, क्लियर है। हमने क्या किया? साइन थीटा था, कॉसिकेंट को लिखा 1/sin θ इक्वल टू 2। थोड़ी देर के तो इसको x मान लिया, x + 1/x = 2, तो हमें वैल्यू निकालनी है x² + 1/x² की। और आपको पता है जब भी x + 1/x 2 के इक्वल होगा तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 1। और अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे 1 रखी, 1 + 1 क्या आ गया आपका? 2। तो सिंपल सा आंसर है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? 2। क्लियर है बात? चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है थर्ड क्वेश्चन, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, मैं निकाल लेता हूँ, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभी इस हफ्ते 7 तारीख तक जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, इसी तरह से हम एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि और किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं
का योग है, आपको इनका योग बताना है। वो पूछ रहा है द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं 600, ऑप्शन बी इज 530, ऑप्शन सी इज 480 एंड ऑप्शन डी इज 625। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब आप एपी की बात करते हैं और एपी में सम की बात करते हैं, एपी देखिए ना, आपने मेरी क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नहीं देखिए तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है तो वहां से देख लीजिएगा। सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि पहला पद प्लस आखिरी पद। ये तब लगता है जब आपको एन पता हो, ठीक है, एपी का। अब उसने बोला 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का, अगर मैं 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं पूछूं तो कितनी होंगी, तो आप कहेंगे सीधा सीधा 25, 25 सम होंगी और 25 क्या होंगी, विषम होंगी। अगर मैं 0 से 100 के बीच आपसे पूछूं सम संख्याएं कितनी, तो आप कहेंगे 50 सम है, 50 इवन है और 50 ही क्या है आपके पास, ऑड है। तो यानी कि आपको पता चल गया 0 से 50 के बीच अगर मैं कहूँ विषम संख्याएं 1, 3, 5 और करते करते ऐसे 49, और ये कितनी होंगी टोटल, 25 होंगी, आधी 0 से 50 के बीच आधी सम होंगी और आधी क्या होंगी आपकी, विषम होंगी। क्लियर है बात, 0 से 50 के बीच। तो मुझे n पता चल गया, n मेरे पास कितने हैं 25, तो ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया 25 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे को पता है ना, 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 49, ठीक है, तो 25 बटे में 2 गुना 1 प्लस 49 कितना हो गया आपका 50, 2 से 50 कट कैंसिल हो गया 25 पे, क्योंकि 25 गुना होता है 50, काटना आना ज़रूरी है वरना आपको पता ही है 25 गुना 25, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपकी प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़ें, क्लियर है बात, और ऑप्शन नंबर डी इसका जो था वो करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला दिया हुआ है आपको पी एन टू द पावर 2n-1 एंड n belongs to n, ठीक है, द्वारा विभाज्य है, डैश द्वारा विभाज्य है, यानी कि 2 to the power 2n-1 n belongs to n is divisible by, यानी कि ये जो संख्या है वो विभाज्य है 4 से 3 से 5 से और नोटा, इनमें से किसी से नहीं, ये वाली संख्या किससे विभाजित है। अब n belongs to, यानी कि n का संबंध किससे, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं हमारे, 1 से होते हैं, तो सबसे पहले मैं 1 रखूँगा, तो n की पावर मैंने 1 रखी, वैल्यू 1 रखी, माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3 इससे भाग हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ऑप्शन नोटा है तो मैं एक वैल्यू पर और चेक करके देख लूँगा। तो मैंने अब n की वैल्यू रखी 2, तो 2 into 2 कितना 4 minus 1, 2 की पावर 16, 4 16 होता है, -1 15, और ये किससे भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, होने को ये 5 से भी हो रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं हो रहा था, ये 3 से भाग हो रहा है और ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये सिर्फ 5 से भाग हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, और इसके बाद जो सारी संख्याएं होंगी वो किससे विभाजित होंगी, 3 से, तो चाहे आप 3 के लिए भी करके देख सकते हैं, 2 की पावर 6 माइनस 1, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 माइनस 1, 32 दूनी 64, 64 माइनस 1 कितने होंगे 63, और 63 3 से भाग हो जाता है जो देता है आपका 21 आंसर, यानी कि ये जो संख्या होगी वो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 3 से, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 3 है। क्लियर है बात, इतना समझ आ गया। आज के पेपर में मैं देख लेता हूँ अगर और कोई क्वेश्चन है जो आपके लेवल का है अभी फिलहाल बेसिक लेवल पे, तो और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम आज कर लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में हम थोड़ा सा लेवल बढ़े हुए क्वेश्चन करेंगे जिनके लेवल इन वालों के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा हैं, जो थोड़े से और मुश्किल थे वो क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप इतना ही कर लीजिए, आज की क्लास में इतना ही है, आज के क्वेश्चन इतने करेंगे, कल हम इसी 2018 HSC के कांस्टेबल के क्वेश्चन और करेंगे जो थोड़े से हाई लेवल के थे, जो थोड़े से मुश्किल थे। आज की क्लास में इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।